नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हॉट डॉग बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो हॉट डॉग है घर पर बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो हॉट डॉग बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके फिलिंग के लिए सॉस बनाना होगा। ये देखिए, मैंने दो मीडियम साइज़ का प्याज जो है इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, और लहसुन को भी मैंने रफली इस तरीके से चॉप कर लिया है, और अदरक को भी हमें चॉप कर लेना है। ये देखिए, अदरक भी मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, और अब बारी है टमाटर की। टमाटर को भी ये देखिए हमें लंबाई में इस तरीके से काट लेना है। और ये मैंने तीन सूखी कश्मीरी लाल मिर्च को लिया है, और इसके बीज को मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, और पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल को डाला है, रिफाइंड डाला है मैंने, और इसमें ये जो हमारा चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक को डाल दिया है, और इसे हल्का ब्राउन कर लेना है। और मैंने प्याज को भी डाल दिया है, लहसुन मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है, और अदरक जो है आधा बड़ा चम्मच डाला है। दो मीडियम साइज का प्याज, दो मीडियम साइज का टमाटर, और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है, और नमक आधी छोटी चम्मच, और इसे अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, नमक डालने से ये गल चुका है, और इसमें अब मैंने दो छोटी चम्मच चीनी को मिला दिया है, और चीनी को भी अच्छे तरीके से मिला लेना है। और अब मैं इसमें दो छोटी चम्मच विनेगर को डाल दूंगी, मैंने सफ़ेद सिरका को डाला है, और फिर से इसे अच्छे से मिला लेना है। और दो बड़ा चम्मच मैंने टोमेटो केचप को डाला है। ये देखिए, ये हमारा हॉट डॉग के लिए सॉस तैयार हो रहा है, और मैंने कश्मीरी सूखी लाल मिर्च जिसका बीज निकाला था उसे भी डाल दिया है, और लगभग मैंने 1/3 कप पानी को डाला है, और फिर से इसे हमें चलाना है और थोड़ी देर इसे पका लेना है। ये देखिए, ये थोड़ा 2 से 3 मिनट पक चुका है, और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, और इसे ठंडा होने के बाद इसे मिक्सिंग जार में डालकर इसे हमें बारीक पीस लेना है। तो दोस्तों, ये हमारा हॉट डॉग के लिए सॉस जो है लगभग तैयार हो चुका है, बस इसे हमें बारीक पीस लेना है। और फिर से मैंने पैन में एक बड़ा चम्मच तेल को डाला है, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, और एक छोटी चम्मच मैंने अदरक को डाला है। इसे हमें फिर से फ्राई करना है अच्छे से, और प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने डाला है इसमें, इस तरीके से लंबाई में काटकर, और इसे ये देखिए इसे भून लेना है अच्छे से। और एक मैंने शिमला मिर्च को काटकर इसमें डाल दिया है, और फिर आधी छोटी चम्मच नमक। ये देखिए, शिमला मिर्च को अच्छे से हमें फ्राई करना है, और पनीर मैंने 1 कप डाल दिया है, और पनीर को भी हल्का सा फ्राई करना है। और ये जो हमारा सॉस तैयार था उसे मैंने डाल दिया है। ये देखिए, ये हॉट डॉग के लिए फिलिंग जो है बनकर तैयार है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ को ग्रेट कर दूंगी। चीज़ आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जितना चाहती हैं उतना डाल सकती हैं। और ये देखिए, चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, और फाइनली ये हमारा फिलिंग जो है हॉट डॉग के लिए तैयार हो चुका है। और दो प्रकार से आप हॉट डॉग में ये जो बन है इसमें आप फिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लंबाई में काटा है, और या तो आप बीच से इस तरीके से दो भागों में इसे
काट सकती हैं इस तरीके से। और चलिए पैन को मैंने चढ़ाया है और इसमें मैंने बटर को डाला है। सबसे पहले मैं ये जो हमारा हॉट डॉग का बन है इसे मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। ये देखिए ये हमारा हल्का सा सिक चुका है और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए इसी प्रकार से सभी बन को सेक लेना है। ये देखिए ये भी हमारा सिक चुका है। और अब मैं इसमें फिलिंग को डालूंगी। इस प्रकार से हमें बीच में फिलिंग को भर देना है। जितना चाहे आप दबा दबा कर ज़्यादा फिलिंग भी डाल सकती हैं। और ये देखिए मैंने जिसे बीच से काटा था इसके ऊपर इस तरीके से हमें फिलिंग को लगा देना है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ हमें ग्रेट कर लेना है। ये देखिए चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब ये देखिए मैंने इसे बंद कर दिया है जो खुला वाला हमारा हॉट डॉग था। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ को ग्रेट करते रहें। तो ये मैंने दो तरीके से फिलिंग बताया किस तरीके से बन को काटना है। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज भी डाल सकती हैं। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आप अपने कमेंट्स को भी लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।